हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, परचेज रिटर्न और केवल परचेज रिटर्न की ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक के वीडियो से आपको परचेज रिटर्न नहीं क्लियर हुआ तो आज जरूर क्लियर हो जाएगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, परचेज रिटर्न क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, ये कंपनी बनी हुई है, यहाँ से वाउचर में चलते हैं और यहाँ से सीधा कहाँ आ जाते हैं, परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर में जाने के लिए आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम आइटम इनवॉइस मोड में हैं। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको तीन मोड दिखाई पड़ेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस, वाउचर मोड और आइटम इनवॉइस। तो आपको आइटम इनवॉइस मोड में ही रहना है, ठीक है। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1/8/2021, ये डेट हमने डाल दी, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर भी हम डेट चेंज कर लेते हैं, 1/8/2021, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर हम जो भी परचेजिंग करेंगे वो क्रेडिटर पार्टी यहाँ पे दी हुई है, इसके थ्रू करेंगे। तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर परचेज अकाउंट कर दिया। अब यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं हम, लाइक टैली प्राइम की बुक है तो ये लिख लिया मैंने टैली प्राइम, ठीक है। तो ये टैली प्राइम लिख लिया हमने और एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। ये स्टॉक आइटम हम बना रहे हैं, यहाँ पर हम चाहे तो यूनिट बना सकते हैं। तो ये एनओएस तो हालांकि पहले से बना रखा है, एनओएस लगा लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है, तो 10 बुक हम टैली प्राइम की परचेस कर रहे हैं और 10 में से जो बुक है एक की कीमत है 1100 रुपये। तो यहाँ 1100 कीमत डाल दी इसकी हमने, एंटर प्रेस किया। नीचे आएंगे, यहाँ पर GST लगा लेते हैं, तो CGST लगा दिया। सेम स्टेट का मामला है तो SGST और CGST लग जाएगा, लगा दिया, एंटर प्रेस किया। यहाँ न्यू रेफरेंस आएगा, एक्सेप्ट करा लिया। लास्ट तक एंटर 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 प्रेस करना है, तभी एक्सेप्ट होगा, कर लिया। अब हमने परचेजिंग तो कर ली, ठीक है। इस एंट्री को देखना होगा तो कहाँ जाएंगे, दो बार डी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे और यही वो एंट्री है, आप देख सकते हैं। 10 बुक हमने टैली की परचेज की है, ठीक है। अब कोई बहुत विद्वान आदमी रहा होगा तो एक के ऊपर एक किताब रख करके और बीच में से सारा पेज खराब हो गया है, वो ले जाके बेच देगा और आप ध्यान नहीं देंगे, किताब खोल के एक एक पन्ना चेक नहीं करेंगे तो उसी में सब बीच में का पन्ना गायब है, खराब है, किसी में छपाई हुई है, किसी में छपबे नहीं किया है और किसी में छपा है तो उसमें गंदा हो गया, सब खराब हो गया है। तो इस कंडीशन में रिटर्निंग होगी, तो ऐसी कितनी किताबें हैं जिनकी रिटर्निंग हो रही है। तो इसके लिए हमें जाना होगा वाउचर में। तो यहाँ से वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर लेते हैं और वी प्रेस करने के बाद यहाँ से हमें कहाँ जाना है, हमें डेबिट नोट वाउचर में जाना है, यानी ऑल्ट F5 प्रेस करना है। तो ऑल्ट F5 प्रेस करिए, आ जाइए डेबिट नोट वाउचर में और यहाँ पे लगा लीजिए क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लिया, अगर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर प्रेस कीजिए, नीचे आइए, यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिए। और हम बात कर रहे थे टैली के बुक की, तो ये 5 बुक जो है नीचे रख के जो बेचा गया था वही सब गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो एंटर प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आइए, बाकी GST लगा लीजिए। 5 बुक आप वापिस कर रहे हैं, ठीक है, 577 हो गया। यहाँ पे CGST लगा लेते हैं, ये भी हो गया, एंटर प्रेस किया, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम जरा स्टॉक समरी की तरफ चलते हैं। तो ये आ गए स्टॉक समरी पर, आ गए, हम बात कर रहे हैं टैली प्राइम के बुक की, एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं इनवार्ड में 5 ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने पहले परचेस किया था 10, लेकिन अभी 5 दिखा रहा है क्योंकि 5 रिटर्न हो गया है ना। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए ये 10 क्वांटिटी परचेज की गई थी और ये -5 यानी कि 5 रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। तो ये एंट्री थी डेबिट नोट वाउचर की, जिसे हम परचेज रिटर्न के भी नाम से जानते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।